हाय गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आदित्य विश्वकर्मा आर्ट पे। तो दोस्तों यार, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा फॉर बिगनर्स के लिए जो कि शॉर्ट पास्टल यूज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बाइक किया हूँ गैलरी ब्रांड की, जो कि काफ़ी आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं। इसके बारे में मैं हेल्पफुल इसका अच्छे से बता दूंगा कि यह आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ये ब्रांड की आप लोगों की चाहिए कि नहीं। तो गाइस, इस वीडियो में सब मैं अच्छे से बताऊँगा। तो गाइज, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथ में मैं बता दूँ, इसकी जो मैंने बाई की थी जब, तो इसकी प्राइस 870 रुपये की थी, 20% लेस होके हमें मिली थी। तो गाइज ये कुछ ऐसे हैं, तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो गाइज ये वही स्केच है जिसका मैंने यूज किया है इसमें शॉर्ट पास्टल का बनाने के लिए। तो मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगाने वाला हूँ इस वीडियो में अच्छे से। तो ये रियल टाइमिंग वीडियो मैं इसको बनाया हूँ इसलिए, ताकि आप लोग भी अच्छे से सीख सकें कि हाँ, इसका कम समय में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे यूज पहले से किया हुआ है। तो चलिए, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गैलरी ब्रांड किया है, यहाँ पे लिखा है आर्टिस्ट शॉर्ट पास्टल। तो इसके बारे में कुछ लिखा है, 24 पीस की ये है जो कि 870 रुपये की मुझे मिली थी। तो यहाँ पर इसका प्राइस देख सकते हैं आप लोग, 870 यहाँ पे लिखा था, 20% हमको लेस हुआ था ये। तो गाइज यार, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर भी बनाया हुआ दे दिया है, ताकि हम लोग अच्छे से इसको ऐसे यूज कर सकते हैं अपने ड्राइंग में। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो गाइज यार, इसके ऊपर एक सेट लगाया है जो कि सेफ्टी के लिए है, जो स्टिक इसमें है उसके लिए सेफ्टी के लिए ये लगा है, जो कि प्लास्ट फाइबर जैसे है ये। तो ये ऐसे कुछ पैक है इसके अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी से है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, बीच में आपको एक एक आपकी फाइबर लगा दी है। तो गाइस, ये कुछ ऐसे ही ये पैक होके आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक कलर ले लिया है, और ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। तो गाइस चलिए, अब इसको हम लोग बनाते हैं, इसके ऊपर कुछ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक ऑरेंज बीम, और इसके ऊपर मैंने एकदम लाइटली फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाना है हम लोग को। मैं आप लोग को एक बार फिर से बता दूँ, इस पर हम लोग को फोर्स नहीं लगाना है, सिंपली हम लोग को इस पर चलाना है। और इसको ब्लेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने फिंगर का यूज करने वाले हैं इसमें। तो गाइस चलिए, फिंगर का हम लोग यूज करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए, काफ़ी सॉफ्ट है ये। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो इस आपको शॉर्ट पास्टल कैमलिन कंपनी की भी मिल जाएगी, जो कि चीफ होगी इससे, वो आपका 200 समथिंग की हो जाएगी, मिल जाएगी ये, थोड़ी सी उससे अच्छी क्वालिटी की होती है इसलिए कॉस्टली है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने नोच पे भी लगा लिया हल्के से। तो गाइस, हम लोग को सिंपली ऐसे यूज करना है अपने ड्राइंग में। जहां पे आप लोग को डार्क चाहिए वहां पे आप लोग 2-3 लेयर लगा दें इसको, ताकि वहां पे डार्क हो जाए वो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। जहाँ पे आपको लाइट में चाहिए वहाँ पे लाइट आप इसको चलाइएगा अपने अनुसार, जैसे कि हम लोग पेंसिल का यूज करते हैं स्केच बनाने में, वैसे ही हम लोग को इसको इसका भी यूज करना है। ये काफ़ी ईजी होती है, बस आपको यूज करने आना चाहिए, कहीं ज़्यादा नहीं लगाना है, कहीं कम नहीं लगाना है, जैसा फिगर आपको चाहिए वैसे आप लोग इसको यूज करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से बन जाती है। तो गाइस ये देख सकते हैं, मैंने ये रियल टाइमिंग वीडियो बनाया है,
ताकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि हाँ इससे बहुत काफ़ी कम समय में हम लोग बना सकते हैं किसी भी स्केच को, किसी भी ड्राइंग को। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, ये फाइनल हो गया, मैंने इस पर एक लेयर लगा दिया है। तो अब मैं इसका लीप का, इस फिगर का लीप जो है उसको मैं रेड से करने वाला हूँ। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग दूसरे फिंगर का यूज करेंगे ताकि वो कलर पहले से हम लोग को एक फिंगर में लग गया है, वो दोनों मिक्स ना हो, इसके वजह से हम लोग दूसरे फिंगर का यहाँ पे यूज किए हैं। आप लोग भी दूसरे फिंगर का यूज कीजिएगा। तो गाइस कुछ ये ऐसे हैं, हम लोग को ऐसे यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ कि ये काफ़ी गुड क्वालिटी की है। अगर ये आप अच्छे से बनाना जान गए हैं, कैमलिन से प्रैक्टिस किए होंगे आप लोग शॉर्ट फर्स्ट, उसके बाद से आप लोग गैलरी कीन सकते हैं, बाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया होगा कि हम लोग कैसे इसका यूज कर सकते हैं अपने ड्राइंग में। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ एक नए ड्राइंग के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।